गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको इंतजार था, केजीएफ समर मूवी देखने वाली है। हाँ, एक्चुअली समर भी अब से मूवी देखने स्टार्ट करेगी केजीएफ, बिकॉज उसको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज मैंने बहुत हाइप अप किया था केजीएफ के बारे में। एंड अब क्या मैंने देखा है भाई सोशल मीडिया पे, एंड देन मेरे सारे फ्रेंड्स ओ गॉड सब क्रेजी है इस मूवी के लिए, एंड अब मैं भी हो जाऊंगी भाई। ये मूवी ने किस तरीके से हिंदी में बहुत ही ज्यादा क्रेज किया है, लाइक 400 करोड़ लाइक सैल्यूट है। ये मूवी ने अलग अलग रिकॉर्ड तोड़े हैं, आप सब ने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप हमारे साथ भी देख सकते हैं, वरना आप जाके आई डोंट थिंक सो मेरे अलावा कोई बचा होगा देखने के लिए। एंड प्लीज इस बात के लिए मुझे गाली तो मत ही देना एटलीस्ट, बट ठीक है अब मैं देखने वाली हूँ सो दैट एक जेन्युइन रिएक्शन आ पाए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसका मूवी का। भाई ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और हम बताना चाहेंगे आप हमारे मूवी के अगर BTS देखना चाहेंगे पूरे सीन्स के, तो आप जाके समर के चैनल पर जाके देख सकते हैं, वो हमने डाले हैं और बहुत ही जबरदस्त है, आपको जरूर देखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। KGF वाज अ वेल ऑयल्ड मशीन। बिल्ली चोरी से दूध पी रही थी ये सब जानते थे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत किसी में नहीं थी। KGF में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ? भौकाल। आप पढ़ेंगे? KGF में गरुड़ा के मौत के अलावा बाहर दुनिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन अगले दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले जगह पाली में, राजेंद्र देसाई, गुरु पांजन, एंड्रूस और कमल गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आए थे। एम्बेसडर्स, अब मैं वो छोटे डिटेल्स नोटिस कर सकता हूँ। तलाइवा, गरुड़ा मर गया। गरुड़ा की चिता बुझने से पहले ही विराट का रुबाव शुरू हो गया है, अपने लिए खुद ही ठाट बाट कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था ना विराट? विराट मस्ती से काम करेगा तो ही हमारा काम आसान होगा। और गुरु पांडियन? हाथी को ही मार गिराया तो ये बकरी क्या चीज है। तू ज्यादा चिंता मत कर, नाराजगी के लालच में किसी और के कदम यहाँ पड़े हो ही नहीं सकता। वो आ गया है। हर एक छोटे छोटे को एक सीन मिला हुआ है KGF 1 में, तो KGF 2 में रॉकी को इंट्रो सीन कैसे ना मिले? इस विराट में इतना रुबाब कहां से आ गया? अरे उसे मैं ही मारूंगा। अच्छा। बोंदू आदमी वो बम्बई वाला था ना, क्या नाम था? रॉकी। उसको मार दिया ना? मिस हो गया साला मेरे हाथ से, फायदा ही नहीं हुआ। उसे KGF भेजा था गरुड़ा को मारने, लेकिन वो गया था KGF पे राज करने। उसके लिए पहले गरुड़ा को मारना था, गार्ड से बचना था, और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना था। इसीलिए शॉर्ट सर्किट किया और व्हाइट लाइन पार की, लेकिन पहले वो गया था विराट को मारने। वहां से 3 कैदियों में से एक बनके सबके सामने उसने गरुड़ा को मार डाला। जब वानरम के गार्ड्स बंदूक पकड़े खड़े थे, जिन लोगों में सर उठाने की हिम्मत नहीं थी वही लोग रॉकी को ऊपर खड़े देखकर गार्ड्स के सर कुचल के आगे बढ़ गए। लोगों ने रॉकी को अपना सुल्तान मान लिया था। सुल्तानी सॉन्ग भी है ना। डोंट टच मी। रीना,
तुम यहाँ कैसे? फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी, जबरदस्ती उठा के लाए। कौन है वो? जबरदस्ती करते हैं क्योंकि ये खुद की ख्वाहिश है, कुछ किया ही नहीं है। रॉकिंग स्टार यार। मैंने वो एंट्री भी ली है और नाम भी लिखा है। आई कैन रिलीव दैट मोमेंट यार, क्या क्रेज था उस दिन मेरे को हमारे। अलग 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 अभी भी वो गूज़बम्प्स आ रहे हैं। देखो इतनी बारे मूवी देखो उतनी कम है। हे देवा, देखना इस कुर्सी के लिए कोई और सर ना कटे। रॉकी, गरुड़ा को मारने वाला यही है। अरे बसा रे बसा, डर और इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। ऑल आर वन। विराट विराट विराट, उड़ा दिया। बेचारा छोटी उम्र में ही चला गया। ये पंचों का चबूतरा तो मस्त बनाया है। अरे सबके थोबड़े क्यों लटके हैं? डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। जगह के लिए नया हो? फील्ड में नहीं, आपकी कंपनी का नाम बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, इतना बस। hey, एक गया तो दूसरा कर बैठ गया, इसको खोखो समझा है क्या? हमारे बाप लोगों ने अपना साम्राज्य महफूज रखने के लिए ही हमें पैदा किया है। कोई बाहर वाला आकर बैठ जाए और हम घास छीलते बैठे। नेपोटिज्म। ये क्या हो रहा है हमारे देश में, जहां देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घूस के सर काटने वाला क्या करे? मेरिट मेरिट से आए है भाई, आपको भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना भाई। तुम्हारे बाप लोगों ने सब सही किया, लेकिन एक मिस्टेक कर दी। तुम सबको मेरे टाइम पर पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा, तुम सब घास छिलते रहना। What do you say, Sona? Am I right? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो पहले ये बताओ। रखने के लिए। KGF में सेफ्टी सोना, बहुत डेंजर है ये सब लोग। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले को एक कंपनी तो चाहिए ना। एंटरटेनमेंट। यू आर माय एंटरटेनमेंट सोना। ए, बस कर, बहुत चर्बी चढ़ी है। तब से देख रहा हूँ कुत्ते की तरह भौंकता जा रहा है। मेरी लड़की के बारे में बात करेगा? कमल क्या कर रहा है, बैठ जा। वो तेरी एंटरटेनमेंट है क्या? चुप बैठे हैं तो ज्यादा ही फुदक रहा है। क्या कर रहे हो, बैठ जाओ। अपनी औकात जानता है तू? बंबई की गलियों में शू पॉलिश करके चिल्लर पे जीने वाला कीड़ा है तू? वो है तेरी औकात। आपने उस दिन रोक दिया, इसीलिए आज हमारे सामने रोक जमा कर बैठा है। कमल, डोंट टच मी। जिसकी जो औकात है उसे वहीं रखना चाहिए। कूड़ा खाने वाले कुत्ते को सिंहासन पर बिठा के खेल देख रहे हो? हाँ, उस दिन बच गया, आज नहीं बचेगा। इसकी मौत मेरे हाथों होगी, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। ज्यादा बोर कर रहा है। किधर था मैं? एंटरटेनमेंट। यू आर माय एंटरटेनमेंट सोना। कम ऑन सोना, चलते हैं। ए, छूना मत। ए, क्या रे, पार्टनर्स है रे? ऐसे एक एक करके उड़ गए तो धंधा कौन संभालेगा? कंपटीशन चाहिए ना। गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। बेस्ट डायलॉग था इंट्रो का। ओनली पीस। एकदम मास सीन बनाया गया था इंट्रो सीन को। विल सीरियसली भर भर के डायलॉग सीख के गए।
गए थे प्लस जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया था सीरियसली ऑसम मान गए। लाइक इंट्रो सीन में इतना मजा आ गया, लाइक एंट्री इतनी सिर राजाओं वाली एंट्री ना, ड्रम्स बज रहे थे हेलीकॉप्टर में वो आए और इतना मस्त वो आउटफिट पहन के और लुक तो ऑलरेडी इनका इतना अच्छा दिया है। मैंने पहले भी बोला कि मेरे को लुक इनका बहुत पसंद आया है ना, और फिर एंट्री लेके जैसे वो बट एक्चुअली इनके बोलने का वे कितना फनी वे था ना, लाइक वो दिख रहे एकदम ऐसे एकदम टिप टॉप एंड ऐसा लग रहा था कि ओ ऐसे बोल के किसी को भगा दे, और बोलने का वे उनका काफ़ी फनी था। बट सच में वो बोल के ही सबको डरा रहे थे भी है ना, लाइक सब लोग इतना डर रहे थे जिसको उन्होंने शूट किया ना, सब लोग डर गए थे कि क्या बोल रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, सब शांत कर रहे थे। वो बोल ही रहा था कि इसकी मौत मैं मेरे हाथों लिखी और वो खुद ही चला गया, वो एकदम लाइक सोचा भी नहीं, उनका दिमाग गया सीधा शूट, मजा आ गया सीन देख। वही धमाकेदार सीन था। और जब मैं ये मूवी जो है थिएटर में देख रहा था ना, और अभी भी सेम मेरे को एक सवाल आ रहा था कि जो सोना है वो मेनली जब KGF 1 में हमने देखा था तो वो बंद सीन के बाद काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो गई थी वहां पे रॉकी के लिए, और साथ में अभी जो भी है वो, और वो बाद में भी हम देख रहे थे उसके शॉर्ट्स आ रहे थे जब वो ऐसे मिस कर रही थी बहुत ज्यादा वहाँ पे रॉकी को, और ऐसा लग रहा था कि रॉकी का वेट कर रही थी, लेकिन अब जो है एकदम से आके वो एकदम से अलग हो गई थी। मेरे ख्याल से वो मेरे को फील हुआ कि वो कहीं ना कहीं वो डायलॉग था ना कि तू अब मेरी एंटरटेनमेंट है, वो कहीं ना कहीं हर्ट कर गया होगा थोड़ा उसके अंदर के फेमिनिज्म को, और फेमिनिज्म तो क्या होता है किसी भी लड़की को हर्ट करेगा कि भाई तू मेरी एंटरटेनमेंट, और इस तरीके से वो बोला, सो वो चीजों में को लगा था, और उसका कहीं ना कहीं आगे जवाब मिलता भी है। तो और मेनली जहाँ तक इंट्रो सीन की बात है ना यार, धमाकेदार सीन था, इससे मास सीन नहीं होगा। लाइक वो रॉकी भाई ने खुद ये यश का इंटरव्यू सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि लाइक प्रशांत नील की मूवी में हर एक बंदे का जो होता है वो एक सीन होता ही होता है, इंट्रो सीन जरूर होता है, और वही हमें देखने को मिला। और सबसे धमाकेदार हुआ रॉकी भाई का, इतने सारे लोग ड्रम्स बजा रहे हैं, वो चढ़ता हुआ आ रहे हैं, सब जगह से उनका लुक आ रहा है, एंड किस तरीके से उन्होंने आते ही यहाँ पे अपने जो कह सकते हैं उनकी जो होने वाली बीवी है उसके पहले पुराने पति को मार भी दिया, गोली मार दी सीधा, तो बहुत ही धमाकेदार सीन था। इस इंट्रो सीन में जब इनकी एंट्री हुई तब आई डोंट थिंक सो कि थिएटर में कोई अपनी सीट पे बैठा होगा। सही में बहुत धमाकेदार था यार, सब सीटियां मारते, चीखे मारते, बहुत ऊपर से डायलॉग्स इतने शानदार थे, सब उठ के लाइक इतनी हूट, आई कैन इमेजिन दैट सीन, लाइक बहुत हूटिंग एंड सब खड़े हो गए होंगे अपनी जगह से, बहुत ही कमाल का था ये सीन। आपको कैसे लगा जरूर बताएगा, लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए, बाय।